हेलो धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th टू 30th अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे और आपके पार्टनर के दिल की बात। कुछ गाइडेंस कार्ड भी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ठीक करने से आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं धनुराशि। सबसे पहले देखेंगे 15th टू 30th तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। ओके, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या होगी धनुराशि। ओके, बॉटम ऑफ डेक है ट्रू लव, सच्चा प्यार। ओके, 15th टू 30th अप्रैल तक यहाँ पर आप फील कर सकते हो कि यार जो भी हुआ पास्ट में, जैसा भी था, लड़ाई झगड़े जो भी था वो ठीक है, बट हमारे बीच में कुछ तो कनेक्शन है जिसकी वजह से आज भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी का रिश्ता टूटना होता है तो एक बार में ही झगड़ा हुआ या दो बार, तीन बार, चार बार, और वो अलग हो जाते हैं, उनके मन में वो अट्रैक्शन फीलिंग्स नहीं रह पाते हैं। तो वो कनेक्शन, एक्चुअली वो कनेक्शन सॉलमेट टाइप का कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं होता है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है कुछ टाइम के लिए, जो कि टाइम के साथ में चला भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है वो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से ट्रू लव करते हो, एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हो, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। अभी आपके बीच में चाहे कितना भी झगड़ा हो, चाहे पास्ट में कितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हो, लेकिन आप धनुराशि, आप भी उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, शायद ये लाइफ के एक्सपीरियंस है जो लेने बहुत ज़रूरी थे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये ही वो एक पर्सन है जिसके साथ मैं अपना आने वाला जीवन बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। फ्लर्टिंग एनर्जी में भी थोड़ा सा आप रहने वाले हो कि ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट तो चलता है। एंड आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत अच्छी वाइब्स आपके पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ आती हुई आपकी तरफ दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव रहेंगे उस टाइम। इन 15 दिनों में आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, वो अपने मन की बातें आपसे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। यहाँ पर कोई कमिटमेंट की बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस, कुछ कनेक्शन जो आप एक दूसरे के लिए फील करते हो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए मुझे यहाँ पर इन दिनों में नज़र आ रहे हो। पास्ट का जो भी हुआ है उस बारे में भी डिस्कस करके उसको एक एक्सपीरियंस की तरह से लेकर, और फिर आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आप आपके पार्टनर से क्या छुपा रहे हो। बॉटम ऑफ डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रेवलिंग का कार्ड है यहाँ पर। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी ट्रेवल कर सकता है 15th टू 30th के बीच में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं अपने सपनों में आपको अपनी रानी की तरह देखते हैं, जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है इसको लेकर, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पर मतलब कि क्या सोचना चाहिए, मुझे इस मेरे पार्टनर को एज अ क्वीन देखना चाहिए या एज अ किंग देखना चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उनको नहीं समझ में आ रहा है, इसकी वजह से वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे। उनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है, वो सोच कर भी कह नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और कैसे अपने फ्यूचर को आपके साथ देखते हैं।
यहाँ पर देखिए वो ये भी छुपा रहे हैं कि वो अपने मन को बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं बार बार कि मुझे बैलेंस्ड रहना है, मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देने हैं, मतलब मुझे अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करना है। इस तरह वो अपनी हीलिंग करते रहते हैं, वो अपने मन को समझाते रहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे यहाँ उनकी एनर्जी जो है ना वो ऐसी लग रही है कि मतलब बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है वो इस टाइम। अगर उनके मन में बहुत प्यार भी है तो भी आपसे नहीं कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो ऐसी बातें वो आपसे बहुत छुपा रहे हैं। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया तब क्या होगा, तब मैं कैसे खुश रहूँगी या खुश रहूँगा। इधर आप क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर से, तो देखिए आप भी यही छुपा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आप सोच भी नहीं सकते उनके बिना रहने का। तो अभी से ही आपको घबराहट सी होती है जब भी आप ये इस बारे में सोचते हो कि आपको अलग होना पड़ेगा या फिर आपको ऐसी स्थिति में आना पड़ सकता है जब आपको किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वो बातें आप बहुत ज़्यादा सोच सोच कर परेशान हो रहे हो। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में कोई आने वाला है तो उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पा रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी शादी कहीं और हो रही है, इस पार्टनर के साथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और इस पर्सन से ये बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग भी था तो हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो और अभी तक आप अपने पार्टनर को बता नहीं पाए हो कि आपकी शिफ्टिंग होने वाली है। सो कुछ ऐसा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आप आपके पर्सन को नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ओह माय गॉड, दोनों सेम कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो अपने सराउंडिंग लोगों से भी बहुत परेशान हो। हो सकता है आप लोगों की सोच कर एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वो बातें बहुत आप दोनों के दिमाग को परेशान कर रही है, स्पेशली आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रही है धनुराशि। इतना हम लोगों की सोच कर जिएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी लाइफ में। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप आपके पार्टनर से क्या चाहते हो। ओके, बॉटम ऑफ डेक है कम्युनिटी। देखिए मैंने कहा ना बहुत फर्क पड़ रहा है आपको, लोग, समाज, आपके सराउंडिंग लोग, आपकी फैमिली, मतलब आपके पार्टनर को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि वो लोग क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे गलत समझे या ऐसा ना हो कि वो नहीं रह पाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके पार्टनर के दिमाग में अभी चल रही है, ठीक है। ऑल टाइड अप, सब आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप उस तरह रहो उनके साथ जिस तरह वो आपको चाहते हैं, जैसा वो आपसे कहते हैं। कुछ हैप्पीनेस उनकी लाइफ में लेकर आओ, कुछ अच्छे मतलब कि एक न्यू बनकर आप उनकी लाइफ में आओ। उनको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कोई चमत्कार हो जाए और आप एक एंजल के रूप में उनकी लाइफ में एंट्री ले लो। उनको ऐसा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते, देखिए स्टार्टिंग में ही था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप उनके साथ मतलब आगे बढ़ने के लिए उस तरह के नहीं हो जिस तरह होने चाहिए हो। सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है अपना दिल लेकर तो बैठे हुए हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन वैसा है, क्या ये पर्सन एक नई लाइफ मेरे लिए लेकर आएगा। डोर टू स्प्रिट कार्ड की, कोई ऐसा चमत्कार लेकर आएगा, एक एंजल की जैसे मेरी लाइफ में आएगा। तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप इस तरह के बनकर उनकी लाइफ में आओ। आप क्या चाहते हो तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केयर, प्यार, ये सब आपको आपके पार्टनर से चाहिए। स्पेशलिटी स्पेशली सॉरी क्लेरिटी चाहिए आपको,
आपको ऐसा लगता है कि मेरा अगर कोई भी सवाल हो ना तो वो क्लियरली मुझे आंसर दे, क्लियरली रिप्लाई दे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ मैं. मतलब आपको रिप्लाई जो है ना एकदम क्लियर रिप्लाई चाहिए कि जो भी है सच बोल दो बात खत्म. और आपके पार्टनर जो है बहुत घुमा घुमा के बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खोना भी नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को, पता है वो पकड़ के भी रखना चाहते हैं. तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को समझ में आए कि आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में, आपके रहने से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो सकती है, उन्हें सब कुछ मिल सकता है. सो आपको प्यार चाहिए उनसे, क्लैरिटी चाहिए, एक अटेंशन चाहिए, ठीक है. तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत अलग अलग है. देखते हैं ओवरऑल 15 दिन कैसे रहने वाले हैं धनु राशि. किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, ओके. ओवरऑल 15 दिन अगेन बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन शुरू है दोनों की तरफ से. मुझे यहाँ पे लग रहा है दोनों ही चाहते हैं कि लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो जाए और अभी के पल को आप एंजॉय करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचकर परेशान नहीं होना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इश्यूज़ हो सकते हैं. आपके पार्टनर का फोकस अपनी ग्रोथ पे और आपका फोकस भी अपने करियर और ग्रोथ पे हो सकता है 15 दिनों में. और मैं ये भी कहूँगी कि कुछ छोटी मोटी बात पे अनबन हो सकती है जिसमें कि आप 2-3 दिन एक दूसरे से बात ना करो, ठीक है. लास्ट हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है धनु राशि. धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है. यहाँ सबसे पहले गाइडेंस तो ये मिल रही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट बनो धनु राशि, थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है. अपने आप से सच बोलो कि आप चाहते क्या हो. आप खुद कंफ्यूज हो, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ लेकर जा रही है मुझे और क्या सही है और क्या गलत है. तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, मतलब खुलकर करो जो करना है. सोचो मत कि यार क्या होगा फिर, या कंफ्यूज मत रहो. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, सच बोलो. अगर आपको कोई पसंद है तो एक्सेप्ट करो कि मुझे ये ही चाहिए, दूसरा फिर लाइफ में होना ही नहीं चाहिए. और अगर नहीं पसंद है तो फिर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये लाइफ में नहीं है, राइट. योर पोटेंशियल इज एंडलेस. आप में बहुत बहुत क्षमता है कुछ भी करने की. आपको सपोर्ट भी हो सकता है आपके सराउंडिंग लोगों का, सराउंडिंग आपके दोस्तों का, फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का, किसी का भी आपको सपोर्ट हो सकता है. आपकी पोटेंशियल, आप में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, तो यूज़ करो उसको. अगर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो या फिर पास्ट में जी रहे हो तो प्लीज़ उस पास्ट को तो डिलीट ही मार दो. हम हमेशा सोचते हैं ऐसा कि पिछला ऐसा हुआ था, पहले तुमने ऐसा कहा था. अगर कोई इंसान इस तरह की बातें लेकर बैठता है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. अगर आपने कभी फ्यूचर पास्ट में, अगर अपने जब आपकी जॉब की शुरुआत की होगी या कोई भी काम किया होगा, अगर उसमें आपने 5,000 ही कमाए थे सपोज करो, तो क्या आप ये सोचते हो कि आज भी मैं 5,000 ही कमाऊँ. हम सोचते हैं ना हम आगे बढ़े, हम 50 कमाए, हम 1,00,000 रुपये कमाए, सब सोचते हैं ना. तो फिर उन बातों को भी क्यों ले कर रखना है, उनको हटा दो कि चलो आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करते हैं. तो लाइफ में जब तक आप इन पास्ट की मेमोरीज को डिलीट करके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते. क्लियरली यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है. तो मैं उम्मीद करती हूँ धनुराशि आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे. तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए. रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.